टेक्निकल वाइज आज की वीडियो लोग बात करेंगे व्यू के Y33S फोन के बारे में, जो कि अभी न्यू फोन लॉन्च हुआ था, काफी अच्छा काफी इंटरेस्टिंग फोन है। तो गाइस अगर आप भी यूज करते व्यू Y33S फोन, तो गाइस आप अपने फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक कैसे चेंज करें। गाइस आप अपने फोन को जितनी बार लॉक करोगे उतनी बार आपके फोन में जो कि लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज हो के आएगा। तो हम यहाँ से आपको बता रहे हैं अपने फोन की सेटिंग से ही जो कि व्यू Y33S फोन में जो कि लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे, वो भी ऑटोमेटिक। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना, जो मैं बताऊंगा अपने फोन की सेटिंग से बताऊंगा। गाइस यहाँ सेटिंग करोगे आप अपने फोन में जो कि लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज कर सकते हो। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना, गाइस वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक कर लेना और गाइस साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस हम चलते हैं कंटेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ देखिए आपको साइड में हमारा फोन मिलेगा एंड गाइस यहाँ पे पहले अपने फोन को लॉक करते हैं और यहाँ पे लॉक को ओपन करते हैं। तो देखिए अभी एक वॉलपेपर जो हमारे फोन में शो हो रहा है और यहाँ पे हमारा वॉलपेपर नहीं चेंज हो रहा है। तो हम अपने फोन में सेटिंग करके दिखाएंगे बिल्कुल अपने व्यू Y33S यानी कि Y33S फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज करके दिखाएंगे। जितनी बार अपने फोन को लॉक करेंगे उतनी बार हमारे फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। इसके लिए गाइस करना कि आपको अपने फोन की सेटिंग में चले जाना है। हम देखिए आ चुके सेटिंग में, कुछ चार्ज स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, और यहां पे क्लिक कर देना। यहां पे क्लिक करोगे आपको मिलेगा होम स्क्रीन सेटिंग, लॉक स्क्रीन सेटिंग। होम स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करोगे कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है। यहां आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग, तो नीचे आपको मिल रहा होगा यहां पे लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक कर देना है। आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर, लॉक स्क्रीन स्टाइल, चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। तो यहाँ पे अगर आप नीचे में चेंज स्क्रीन वॉलपेपर को क्लिक करोगे, इसको ऑन करोगे, तो ये मत समझना आपके फोन में लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। गाइस इसको भी ऑन करने के बाद आपके फोन में चेंज नहीं होगा, आपको एक सेटिंग और ऑन करना पड़ेगा जो कि सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर। लॉक स्क्रीन पोस्टर पर क्लिक करोगे और यहाँ आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर। सबसे फर्स्ट में आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा होगा लॉक स्क्रीन पोस्टर वॉलपेपर। आप जब इसको ऑन कर दोगे तो गाइस आपके फोन में ऑटोमेटिक वॉलपेपर यहाँ से चेंज होता रहेगा। और यहाँ मिलेगा आपको ऑटोमेटिक अपडेट वॉलपेपर ओवर द डाटा नेटवर्क। गाइस अगर आप चाहते हैं आपके फोन में कोई भी वॉलपेपर का अपडेट आए वो गाइस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए एंड गाइस न्यू वॉलपेपर यहाँ पे ऐड हो जाए, तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। जिसको देखिए हम इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, आपको इसको ऑन कर देना और गाइस यहाँ से आपके फोन में कोई भी अपडेट आएगा वॉलपेपर में तो यहाँ से न्यू वॉलपेपर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और हम देखिए यहाँ से बैक आ गए अपने फोन को लॉक करते हैं, जो कि हमारे फोन में वॉलपेपर चेंज हो रहा है या नहीं, लॉक कर दिए एंड गाइस लॉक को ओपन करते हैं, प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी बार अपने फोन को लॉक कर रहे गाइस उतनी बार हमारे फोन में वॉलपेपर चेंज होके आ रहा है। तो गाइस आप भी यहां से अपने फोन में Vivo Y33S फोन में जो कि लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर यहां से चेंज कर सकते हो। गाइस तो उम्मीद है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा साथ में, वहां से भी आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।